शहीद अवल शहीद अवल आजाद सूरत लहू छिड़कता आजाद सूरत लहू छिड़कता तलू हुआ था गुलाम मशरक के बलबतों पर लहू हुआ था लहू में लिथड़ा वो बेकरा दिन लहू में लिथड़ा वो बेकरा दिन वो परवरी का गया रमा दिन रात भर के थके मुजाहिद रात भर के थके मुजाहिद मांगे मेरी माँ मांगे मेरी बहनें मांगे मेरे भाई
भाई मांगे आजादी, मेरा पूरा मांगे आजादी, मेरा मोहल्ला दे दे आजादी, मेरा मोहल्ला दे दे आजादी, मेरा मोहल्ला दे दे आजादी, सब सोच के बोलो आजादी, सब सोच के बोलो आजादी, सब सोच के बोलो आजादी, मेरा मोहल्ला दे दे आजादी, मेरे अब्बा दे दे आजादी, वी वन वी वन वी वन इंडिपेंडेंस फास्ट क्रैश इंडिपेंडेंस क्रैश क्रैश इंडिपेंडेंस क्रैश क्रैश इंडिपेंडेंस कश्मीर बनेगा कश्मीर बना है कश्मीर इस्तेमाल करके अपने इक्तदार को तूल दिया, लेकिन देखिए ये झूठे, ये मुनाफिक, ये चोर, ये कातिल, ये डाकू असल में तहरीके आजादी कश्मीर के दुश्मन है, मुजरम है। सामीन एहतराम, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की एक दास्तान है, न ये कभी झुकना चाहता है, न कभी ये रुकना चाहता है। हमारे जाले मुजाहिद दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, वो तहरीक आजादी कश्मीर के हुकूमत पाकिस्तान ने नरसिम्हा राव के साथ मिली भगत सौदेबाजी करके कश्मीर को तकसीम करने की कोशिश की है। आज हम इस मौके की मुनासबत से बाबर करते देना चाहते हैं कि जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, सरदार कयूम और नवाज शरीफ सुन लो, तुम कश्मीर की एक इंच को भी तकसीम नहीं कर सकोगे। कल मौका 30 मार्च को हम हुकूमत आजाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान को कहते हैं कि हमने अपने ऐलान के मुताबिक सीज फायर लाइन को तोड़ना है। आप मुनाफो हिम्मत करो हमें रोकने, हमारी छातियां तुम्हारी गोली के सामने होंगी। मैं आजाद कश्मीर पुलिस से भी यह गुजारिश करूंगा कि बैरूनी मुल्क से आए हुए अहमद जालिम आपके बेटों पे, आपके भाइयों पे, आपकी बहनों पे तशद्दुद कर रहे हैं। आप भी शर्म कीजिए, ठीक है अगर हम कानून को हाथ में लेते हैं, पर जुर्म करते हैं, डाका जाते हैं, हीरोइन बेचते हैं, शराब बेचते हैं, तो आपको ये हर हक पहुंचता है कि आप हमें गिरफ्तार करें, हम पे तशद्दुद करें। लेकिन देखो जालिमो, अब तुम्हारी ही आने वाली नस्ल की बका की जंग लड़ते हैं, तुम में अगर शर्म है तो मकबूजा कश्मीर की पुलिस की तरह वर्दियों को उतार दो, टोपियों को उतार दो, मरते इंतजार से के पीछे अपनी तहरीके का मत अपनी कौम पे सीमा राव की तरह झंडे तशद्दुद करो। अपने बेटों को खुला छोड़ो ये सबक दे के कि वो बिखरा हुआ कश्मीर तुम्हें एक जगह मुतहद करके दे, तुम्हारे आने वाली तुम्हारी नस्लें आराम कर सके, सुकून कर सके, उनका वकार बुलंद हो सके। आखिर में मैं तमाम अहले मुजफ्फराबाद से गुजारिश करूंगा कि तजारतें होती रहेंगी, पैसे बनते रहेंगे, ईदें होती रहेंगी, खुदाया गैरत का मुकाम है। बार आइए गैर मुल्की आमरों को इस कश्मीर से निकालने के लिए मुतहद हो जाइए। अगर आज इस वक्त पे आपने इत्तेहाद न किया, इत्तेफाक न किया, तो याद रखिए फिर कश्मीर का नाम भूल जाइए। साजिशी अनासर आज ये चाहते हैं कि तहरीक आजादी कश्मीर को इल्तवा में रख दिया जाए, लेकिन याद रखो
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यह ऐलान करता है कि जब तक हम जिंदा है इंशाल्लाह कश्मीर से किसी किस्म की जंग नहीं आ सकेगी। कल मौसा 30 मार्च को तमाम कश्मीरियों से गुजारिश है कि वह चिनारी की तरफ रवाना हो जाए, वो आगे बढ़े सीज फायर लाइन को मिटाने के लिए। यहाँ पे आजाद कश्मीर की सियासी जमाते मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं, लोगों के दिलों को दिमागों को खराब करते हैं। कभी कहते हैं कि इंडिया के एजेंट है, कभी कहते हैं ये अमेरिका के एजेंट है, कभी ये कहते हैं रूस के एजेंट है। अरे बाबा हम तो कश्मीरी कौम के एजेंट है। आने वाला वक्त बताएगा मुनाफो ISI के भूत पालशियों आजाद कश्मीर के नाम से इस्लामाबाद के अंदर एक ISI के अमलदार के सामने बूटों की पालिश करते हो और वजारत और सदारत की दरख्वास्त करते हो, बेग मांगते हो। लिबरेशन फ्रंट तुम्हारे सलूले लग रहे इक्तदार पे लानत भेजता है। तमाम लोगों से गुजारिश है वो सियासी जमातों का खौल उतार दे, बाहर आए अपने बिखरे हुए कश्मीर को मुतहद करने के लिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का साथ दे। आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दुश्मन इस दुनिया में क्यों इतना ज्यादा है कि हम किसी की बात नहीं मानते, हम कश्मीर पे सौदेबाजी नहीं करते, हम अपनी कौम की सुदागरी नहीं करते। इसलिए तमाम लोगों से मेरी आखिरी बात गुजारिश है कि 30 मार्च 1992 कल का दिन आगे बढ़े, नरसिम्हा राव का मुकाबला करें, उसके छोटे भाई यहाँ का उसका मुकाबला करें, नवाज शरीफ का मुकाबला करें, गवर्नमेंट सक्सेना का मुकाबला करें, फॉरेन प्रेस पूरी दुनिया यहाँ पे बैठी हम साहब, ताकि कल तुम्हें ये पूरी दुनिया के टेलीविजन और रेडियो देख सके कि तुम भी कितने जालिम और जाबर हो। वमाइल में और यहाँ पर गोलियों की बुखार कर दे, सिर्फ आजादी के नारे लगाओ। मेरा मौला कहते आजादी, मेरा मौला कहते आजादी, पाप भी दे दे आजादी, पाप भी दे दे आजादी। पंजाब पुलिस को कदम बढ़ाओ, कबूल बच्चा रास्ता है हमारा, कबूल बच्चा रास्ता है हमारा। आजादी 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 आजादी।
मांगे आजादी, आजादी मांगू आजादी, तुम भी मांगो आजादी, जान हमारी आजादी, आन हमारी आजादी, जान हमारी आजादी, जान सब बोल के बोलो आजादी, सब राज के बोलो आजादी, सब राज के बोलो आजादी, सब राज के बोलो आजादी, सरकार के बोलो आजादी, सरकार के बोलो आजादी, आजादी 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 जाहिर बात है तुझे नहीं मिला फैक्ट सुन This is the real Kashmiri fest. Darwa? Yes. Thank
वालेकुम। सारी आदमी की जगह रहेगा, हम आपको जो बच्चे बीच में पिटाएंगे आपके क्या करना है। आपको फूल कैसे प्राप्त किए? कौन सा? अच्छा अब आयु विद्वान तो नहीं करता उसके बाद उन्होंने रेड किए हैं पार पहाड़ है ना उधर है उधर काफी देखा उस तरफ उन्होंने रेड किया है उधर छग लिए कि शायद में उस तरफ और वो तो इस तरफ तो अब हर जाके छुपा पड़ा है या तो इधर आना शुरू है वो पूरी तरह अभी सुना है उस तरफ से आ रहे हैं वो पुल से इस तरफ आप बात कर दीजिए आप दूसरे चार पांच दिन जो सलपुर जफराबाद में जैसे मामला खान से गिरफ्तारी के बाद अगर जब उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की जफराबाद में जगह छापे मारे और वो वहाँ फायर हाउस में रहे हैं लोगों ने हमें वो अपना दी है वहाँ पे फुल कॉपरेशन वहाँ मुजफ्फराबाद शहर में दिया है। और फिर जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ से बात की थी कि हमने जो मौजूदा सूर्त हाल कर रही है और मौजूदा सूर्त एडवर्टेशन में जिसमें कॉपरेट ब्लॉक की है उससे कोई दिक्कत की सप्लाई की है तो सारे रास्ते में बात की हो चुके हैं तो हमने स्ट्रेटेजी चेंज करने का फैसला किया। उसी चयनशुदा स्ट्रेटेजी के नतीजे में जब कल मैंने सफर का आगाज किया मुजफ्फराबाद से लास्ट मेरी जो मीटिंग शुरू हुई है तो सुल्तान चंद्र साहब को मैंने कहा समाज लोगों के कारवागा दबे किनारी जी को बता के साथ बात भी की गई उस वक्त मैंने अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रखे तो ताकि भी पता लगे और मैंने खुद से क्या वो बोल रही थी पार्टी में तो जिना से वो वहाँ से जब मैंने खुला तो हम पहुँचे एक गाड़ी में डॉक्टर मिले थे उनके साथ फैमिली बिठाई मेरे साथ उनकी फैमिली थी डॉक्टर के साथ थे तो जब हम पहुँचे किनारी के करीब किनारी से वहाँ पे हमने गाड़ियाँ रोकी हैं उसके बाद भी उनको भेजा एक गाड़ी में भेजे कि आप जहाँ जा रहे हो जो किनारी हमारे साथी हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें कि कोई जगह अरेंजमेंट रूम में की है कोई करके जो एयरपोर्ट की वजह तो जैसे वापस आए इनको फॉलो किया है पुलिस ने तो इनके पहुँचने के फौरन बाद पुलिस पहुँची तो ना क्योंकि जीप में गाड़ा हुआ था पीछे जब औरतों के दरम्यान में था तो डॉक्टर साहब उतरे हुए थे और उनके साथ बच्चे जो थे वो भी उतरे हुए थे मेरी जो कहानियाँ थी वो भी उतरी थी पुलिस वापस मुड़ के आकर उन्होंने वो उनसे फूल भी शुरू करी तो डॉक्टर साहब तुझे अपना नाम शेख अफजाल बताया कि मैं अजीश पाक बताया तो उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ और मैं राजा सजाद की जो शहीद वगैरह बढ़ोरी की उसकी तारीफ के लिए जा रहा हूँ तो ये भेजे थे गाड़ी भेजी थी जो पता कर रहे हैं उनके वो भाई वाली वो यहाँ पे जो हमें ले रहे नासिक कार्ड मांगे पहले से मांगा तो ये निकलोगे तो गांधी मरी ने मुझे नासिक कार्ड पेश किया उसने कह दी कि आपके भाई अभी तक नहीं पहुँच सके हैं रास्ता बंद है तो आप चले जाएँ तो उसके फिर वो शेख डॉक्टर साहब ने कह दी कि हम तो बाद में अगर है रास्ता वहाँ तक चलते हैं वहाँ से आगे निकल चलेंगे तो उसके उसने कहा कि पुलिस वाले से नहीं आप आगे ना जाएं इस रास्ते की किनारी की हालत बहुत खराब है वहाँ पे फोर्थ डिप्लॉयमेंट है ये है वो सब रास्ते में करता हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि वहाँ पे लोगों ने ऐलान किया हुआ है तीसरा लाइन तोड़ने का तो वो जो है वो इस सिलसिले में वहाँ किसी भी आउटसाइडर को जो है वो नहीं जाए और वो अब पूरी डिटर्मेंट काफी और स्ट्रेटेजी जो है वो जो अडॉप्टेड स्ट्रेटेजी है जिसके मुताबिक हम यहाँ पहुँचे हैं इंशाल्लाह उसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। और आज सुबह हम जब गए थे चिकोटी के नजदीक तो देखा कि वहाँ पे पुलिस की बड़ी नफरी मौजूद है सारे मारे
मैंने कहा ना आपको सारी चीजें हमारे स्कूल का जो पेश नजर है उसी के मुताबिक मुकाबले में हमारे पास आए। और क्या आपको उसमें तमिली में कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? मेरा ख्याल है बेटर जो होगा आप आगे आते और जब आप फिर के साथ जैसे स्कूल के आसपास ही आप रहें हमें बात करें हमारे आगे जो पीछे जिस तरह आगे तो नहीं जा सकते हम आगे हों आप पीछे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा रूट पकड़ रहे हैं कौन सा रास्ता कर रहे हैं क्योंकि हम अपने मकसद को हासिल करें। अपने कितने साथियों के साथ आप क्रॉस करना चाहते हैं? अभी आपने जो सूरत हाल आप देखी है अक्सर सूरत हाल देखी है जिस तरीके से लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए था कोई हर कोई जगह है कोई जगह नहीं आने दे रही है हमें जो भी जगह लोकली अवेलेबल कर सकते हैं तो हम उनके साथ आगे बढ़ते हैं। और डिटर्मिनेशन हमारी ये है कि कौन हमें हम वो भी आगे ही क्यों रह गए तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट ठीक होगा। वो कोई तादाद क्या है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पता होगा लेकिन मेरा ख्याल है आपके सामने उनके साथ हुई है उनके साथ फर्स्ट मीटिंग मेरी आपके सामने हुई है तो अब वो भी तादाद नहीं क्या है मुझे इसका कोई नहीं। और यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है फोर्स के साथ मौजूद है टीयर गैस उनके पास है डंडे लेके आए हुए हैं कुछ हथियार भी हैं अगर उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की फोर्स इस्तेमाल की तो आपको क्या रद्द अमल होगा कश्मीर की मूवमेंट का क्या होगा? हम नॉन वायलेंट हैं नॉन वायलेंट रहेंगे और अगर उन वो फोर्स के साथ आ रहे हैं हम बिल्कुल अनआर्म हैं नॉन वायलेंट हैं हम बैठ जाएंगे आराम से बैठेंगे उनके साथ बात कर लेंगे कि नॉन वायलेंट हैं हम और जो है वो अगर उनमें कोई जाती थी तो इसी हमारे लिए उनके ऊपर होगी हम कोई किसी किसी की वायरेशन नहीं और तरीके की फीस इसका क्या असर होगा? डायरेक्ट तो बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं इसलिए कि हम जो है नंबर दो जो है मौजूदा कश्मीर के लोगों में जो मायूसी की कैसी तरह हुई थी कश्मीर के लोगों ने वो हमारे साथ तैयारी में शामिल नहीं है वो तत्व खत्म होगा क्योंकि बहुत ही उसके वहाँ पे भी काफ़ी उनको डाली गई है लेकिन आजाद कश्मीर के दिन आवाम के दिल जो है वो हमारे पास रखते हैं हम ये वो एक संबल पेश करेंगे उससे एक यूनिटी पैदा होगी कॉन्फिडेंस पैदा होगी और वो जो रीयूनिफिकेशन कर रही है जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे और कॉन्स्परेसी की जो हो रही है कश्मीर की रीजन की कॉन्स्परेसी की जो साजिशें हो रही हैं उसके जो है वो तैयार होगा। आपने ये कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे पुलिस ने अगर रोका तो हम उनके साथ बात भी करेंगे बात करेंगे बैठ जाएंगे यहाँ तो आप वापस आ जाएंगे यहाँ पर ऐसे नहीं हम तो उनसे यही बात करेंगे कि भाई साहब नॉन वायलेंट हैं हमारा मकसद है हम जो जो कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आपके साथ में वो इंडिया के साथ वो तो आपको हम पूरे रोकेंगे चाहे आप दो रात जब हम एक ऐलान करते हैं डिटर्मिनेशन देते लिए और प्लस ऐलान हमारा ये नॉन वायलेंट हम वायलेशन नहीं करते और उनकी भी वाज़ह अनाउंसमेंट है कि उन्होंने क्रॉस करने नहीं देनी है दीवारे बर्लन झाड़ता पे इतने आके मुकदा पे जिनको पकड़ के लिए वो इसके खड़े मैं तो नहीं चाहता मैंने
बिल्कुल आप बैठ जाइए हथेड़िया डाल दिया मैं कहता हूँ मेरे भारत अफसर ने मैंने हुक्म देने अब इसकी वर्दी उतारेंगे बस साल यही होगा यही हाल है उसने कहा उसने हमें कह दिया कि घसीट कर लिया उसने कहा पूरी दुनिया पूरे वर्ल्ड पाकिस्तान खाते हैं पहले बल्कि मैं तो मशवरा ठीक काम करो जी मैं तुम दसा बाकी छोड़ दो नहीं नहीं सब इंपॉर्टेंट चीज है जी रस्सियां छोड़ सारे कट्ठे कर दो ना सारे की एक तस्वीर दे लो ना ताकि उन्होंने हमें मैसेज दिया नहीं हुआ था उसको क्या हक था मकान की तलाशी लेवाने का घंटा देखिए मकान की तलाशी बनी वही बन के जाओ खुद ले जाइए राय साहब देखो वारंट आ रहे आवाज लगी आपको अच्छे लोग रिटायरमेंट तो उसके बाद जो होता है जब रिटायरमेंट सर रोटी ज्यादा घर बस खाना भी नहीं है दो भर के मारने खाना भी नहीं है खाना चले यार कुछ गल गल सुनोगे वापस
counted him already? Okay, 12 people. Sounds good. तरफ से पीपी हुकूमत करे, मुस्लिम कांग्रेस हुकूमत करे, लिबरेशन लीग करे, चाहे और कोई जमात करे, हमारा एक अजीम मकसद है, हम तो कौमी आज़ादी की जंग लड़ते हैं। हम तो चाहते हैं ये साथ चलें, ये हीरो बने, ये ही कुर्सियाँ संभालें, लेकिन एक दफ़ा चलकर इस कश्मीर को, इस कौम को तो आज़ादी हासिल करो। इस तरह गिरफ्तारी से आज़ादी हासिल नहीं होती। इस दफ़ा इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, 10 दिन के बाद हम फिर शुरू हो जाएंगे कोई ना कोई। जब तक ये मसला हल नहीं होता तब तक तो बैठेंगे नहीं। बेहतर ये था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा को और उन तमाम ममालिक को इन्वाल्व करते, जो बैठकर ये फैसला करते इस आज़ादी का। तो और कई सेंट्रल कमेटी के मेम्बरों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद तंजीम ने क़यादत के खिलाफ को पुर करने के लिए जेकेएलएफ की अवेलेबल सेंट्रल कमेटी जितनी हमें यहाँ मैसर आई, हमने सबसे रब्ता करने की कोशिश की। और बरतानिया जोन में जो हमारे बरतानिया में जो हमारा डेकेलप है उससे सलाह मशवरा करने के बाद हमने सेंट्रल कमेटी के हंगामी इजलास में आयन की रोशनी में मनोज फैसले किए हैं। नंबर एक, पीरजादा गुलाम मुस्तफ़ा अलवी साहब जो जेकेएलएफ के सीनियर रहनुमा होने के अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं मरकजी, इनको कायम मुकाम चेयरमैन मुंतखब किया गया। नंबर दो, अल्ताफ इंद्रावी साहब कायम मुकाम सेक्रेटरी, एच एम महबूब साहब कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तला'आत और तारिक मुहम्मद वाट एसएलएफ को कायम मुकाम चेयरमैन जेके एसएलएफ को मुंतखब किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और कश्मीर को अल्टीमेटम दिया गया, ये भी हो गया, सब हो गया। इसके बाद जो सुजूत है सारे आज़ाद कश्मीर में जेकेएलएफ और जेकेएसएलएफ के गिरफ्तार शुगान पर तशद्दुद किया जा रहा है। लोगों और रिश्तेदारों के वकला को भी गिरफ्तार शुगान से मिलने नहीं दिया जा रहा। गिरफ्तार शुगान की सही तादाद पुलिस और इंतजामिया बताने से मुसलसल इनकार कर रही है। लोग थानों और जेलों में भूखे प्यासे बंद हैं, उन तक ना तो रकम पहुंचाने का इजाजत दी जा रही है और ना ही खाना वगैरह पहुंचाना दिया जा रहा है। नंबर चार, गिरफ्तार शुदा कारकुनों जिनकी तादाद हमारे अंदाजे के मुताबिक सारे कश्मीर में कम अज कम 2000 है, से इखलाकी मुजरमों जैसा सलूक किया जा रहा है जो कि इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत इकदाम है। नंबर पाँच, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान और उनकी कासा लैस आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की हुकूमतों ने कश्मीरी मुजाहिदीन और सरफरोश अवाम से अमलन यकजहती के इजहार के लिए जेकेएलएफ के पुरअमन मार्च को नाकाम बनाने के लिए इस तरह से सफाकाना लाठीचार्ज वसी नाकाम बनाने के लिए सफाकाना लाठीचार्ज वसी गिरफ्तारियों और वसी पैमाने पर घरों पर छापे मारने, आंसू गैस के इस्तेमाल, हत्ता के गोली चलाने के शर्मनाक इकदाम का सहारा लिया है। इससे एक बात बिल्कुल वाजे हो जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान और हिंदुस्तान और सरदार अब्दुल क्यूम खान कश्मीरी मुकाओ कश्मीर बचाओ मुहिम शुरू कर रखी है। कश्मीरी मुकाओ कश्मीर बचाओ की पॉलिसी अपना रखी है। दोनों कश्मीर दुश्मन हुकूमतों मगर दोनों कश्मीर दुश्मन हुकूमतों ने हुकूमतों को खबरदार किया जाता है कि जेकेएलएफ और गैरतमंद कश्मीरी उनकी इस साजिश को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देंगे। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आजाद कश्मीर के चक्कर चक्कर पर पंजाब कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की भारी नफरी की तैनाती और दोनों जिंदा सिर्फ पुलिस फोर्सेज की तरफ से बहिमाना लाठीचार्ज आंसू गैस फायरिंग के खुले खुला इकदाम में
और मकबूजा कश्मीर में भारतीय नियम फौजी व फौजी दस्तों, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपी और ब्लैक कैट के इकदाम में कतन कोई फर्क नहीं है। फौजी दस्तों, पुलिस, बीएसएफ और सीआरपी और ब्लैक कैट कमांडोज के इकदाम में कदम कोई फर्क नहीं है, बस कोई। और हम पाकिस्तानी बीएसएफ और सीआरपी की सफाकी और संगेजित पाकिस्तानी सीआरपी और बीएसएफ की सफाकी और संगेजित की नफरत आमेज मुदम्मत दान है। उमर साहब, पंजाब कांस्टेबलरी और फ्रंटियर कांस्टेबल ने चनारी के मकाम पर खवातीन के जुलूस पर शदीद अर्चा किया और आंसू के इस्तेमाल किए। वाकत को देखते हुए हम समझते हैं कि हुक्मरानों ने कसर आजाद कश्मीर को भी मकबूजा कश्मीर बना दिया है। नंबर आजाद कश्मीर के सरकारी एहलकारों और अफसरान को जेकेएलएफ के साथ ताल्लुक रखने के इल्जाम में मुअत्तल किया जा रहा है।